तुम दोनों में से जूता अच्छी तरह पॉलिश करना मुझे नहीं आता, इसको बहुत अच्छी तरह आता है, मास्टर है मास्टर। पर इस घर के सारे जूते लाके इसको दे दो। चल मोची। इतने सारे जूते अगर मैं फुटपाथ पे पॉलिश करता तो इतनी कमाई होती कि एक हफ्ते के अंदर मैं एक नाव खरीद लेता। ये लो। ये थोड़े से और पुराने जूते हैं, इन पर हाथ साफ करके अच्छे से पॉलिश करना सीखो, और नए भी देंगे। और कुछ जूते पैरों के साथ चलकर बाहर गए हैं, जैसे वापस आ जाएंगे वो भी है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। जिसको जो काम दिया उसको खुद ही करना पड़ेगा, और वो भी दिए हुए वक्त पर, नहीं तो कुत्ते के पट्टे के साथ अपर पिटाई होती है। अच्छा ये मजाक, अब तो वक्त के अंदर काम करके दिखाता हूँ। फटाफट ये काम खत्म। अच्छा ये बताओ, तुम दोनों में से अच्छी तरह कपड़े धोना किसको आता है? मैं बहुत अच्छी तरीके से कपड़े धोता हूँ, इसको बिल्कुल नहीं आता, मैं इसको बिल्कुल सिखा दूंगा। नहीं नहीं, कपड़े महंगे हैं, जो नहीं जानता वो धोएगा तो कपड़े फट जाएंगे। तो ये काम तो तुमको ही करना पड़ेगा। धोबी घाट किधर है? एक बात बताओ, यहाँ के लोगों ने पिछले 2 साल से कपड़े नहीं धोए क्या? ए, फालतू बातों में वक्त बर्बाद मत करो, बाकी लोग भी अपने कपड़े ला रहे हैं। हाँ, हाँ, लाने दो लाने दो लाने दो, पूरे घर के कपड़े लाने दो, और पड़ोसों से भी गुजरा उनके कपड़े उनको भी लाने दो। ये सस्ता और अच्छा साबुन है, इसलिए इतनी मजदूरी करवा रहे हो।